जननायक जनता पार्टी के प्रमुख अजय चौटाला के छोटे बेटे और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला 15 मार्च को पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक सविंदर सिंह कैथूनगल की पोती लगन रंधावा के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे। इस शाही शादी में तकरीबन 4000 वीवीआईपी शामिल हुए थे। 15 मार्च के बाद 23 मार्च यानी वीरवार को दिल्ली में दिग्विजय चौटाला की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी रखी गई। इस पार्टी में राजनीति, सिनेमा और खेल क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गज पहुंचे। कह सकते हैं कि जिस शाही अंदाज के साथ दिग्विजय चौटाला का ब्याह संपन्न हुआ, वैसा ही शाही अंदाज रिसेप्शन में देखने को मिला। रिसेप्शन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सूबे के मुखिया मनोहर लाल समेत भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, कृष्णपाल गुज्जर, रतनलाल कटारिया, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, बीजेपी नेता जाकिर हुसैन सहित कई राजनीतिक दिग्गजों ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा भारत के पूर्व क्रिकेटर, बीजेपी नेता और सांसद गौतम गंभीर, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। इसके साथ ही सिंगर मीका सिंह ब्याह में तो नहीं दिखे थे, लेकिन अब इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल दिखे। पहले माना जा रहा था कि परिवार एक होने का आखिरी चांस है, क्योंकि अगर दिग्विजय चौटाला के ब्याह में ओपी चौटाला आते तो माना जाता कि परिवार के एक होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन दिग्विजय चौटाला के दादा ओपी चौटाला इस विवाह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। हालांकि माना जा रहा था कि वो 15 मार्च के पहले के कार्यक्रमों में नहीं आए, लेकिन 15 मार्च को जरूर आएंगे, क्योंकि इसी दिन दिग्विजय चौटाला और लगन रंधावा के फेरे हुए थे। इस मुख्य कार्यक्रम में भी ओपी चौटाला नहीं आए, लेकिन माना गया कि वो बाद के वार फेर या फिर किसी बाने में आ सकते हैं, लेकिन ओपी चौटाला रिसेप्शन पार्टी में भी नहीं आए। हालांकि ओपी चौटाला मीडिया से भी इस बाबत जवाब देते हुए बचते हुए नजर आए, तो कह सकते हैं कि ये चौटाला परिवार के एक होने का आखिरी चांस रहा, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला नहीं आए। परिवार के मुखिया होने के नाते या परिवार के वरिष्ठ होने के नाते अगर वो इस ब्याह में शामिल होते या फिर किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते या फिर दिग्विजय चौटाला के ब्याह बाबत कोई भी बयान देते, तो ये बिल्कुल संकेत माना जाता कि चौटाला परिवार भविष्य में एक हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की तस्वीर है, उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि चौटाला परिवार के एक होने की संभावनाएं बाकी नहीं रही हैं। खैर, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपका इस रिसेप्शन पार्टी के बारे में क्या सोचना है, राय रखिएगा। चौगड़ा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।